हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और कीवर रिसर्च की यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, तो काफ़ी मैं बिजी था अपने वर्क में जिस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, पर मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में एक पर्टिकुलर निश के बारे में बात करने वाला हूँ और मैं आपको कुछ आपको कीवर्ड भी शेयर करूंगा जिससे आपको हेल्प होगी। ठीक है दोस्तों, जो पहला जो हमारा निश है यहाँ पर, न्यू सेलेनियम है ना। सेलेनियम का देखिए बहुत ही अच्छा नीश है ये, इस पर आप वर्क कर सकते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा कुछ वेबसाइटों का जो कि अच्छा खासा ट्रैफिक ला रही है और अच्छा खासे अर्न कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, ये यूएसए यूके से इस पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ, अगर मैं बात करता हूँ इस न्यू सेलेनियम, न्यू सेलेनियम क्या है, अभी जैसे मैं इसे गूगल में सर्च करता हूँ, तो ये मैंने गूगल पर सर्च किया और आप देखेंगे यहाँ पर जो टॉप में वेबसाइटें आ रही हैं, अगर मैं इसकी अगर इसको ओपन करता हूँ इस वेबसाइट को, तो देखिए ये आज वेबसाइट जाके ये इतनी बड़ी बनी है। जब आप शुरुआत किया गया था इस वेबसाइट को, तो वो जीरो से ही शुरुआत किया गया था। किसी वेबसाइट को जीरो से शुरुआत किया जाता है, उस पर पॉपुलरिटी बाद में मिलती है, पर आप वर्क करेंगे अच्छा तो आपकी वेबसाइट सक्सेसफुल होती है, और स्टेप बाय स्टेप आप वर्क करेंगे तब जाके वेबसाइटें सक्सेसफुल होती है ना। टेढ़े मेढ़े आप जाएंगे तो टेढ़े मेढ़े ही रैंक होगी, है ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको रिसर्च करना चाहिए तब जाके। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तब जाके इंडिया का है, और सबका 60% सर्च है ना। डायरेक्ट 34% आने पर 60% क्या है, सर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप जब भी देखेंगे तो यूएसए यूके का ट्रैफिक है। तो इस तरह के कीवर्ड पर, अगर सेलेनियम वाले कीवर्ड पे आप काम करेंगे, तो अगर आप देखेंगे इस पे जो अगर मंथली का पेयर्स, मंथली का विजिटर जो आता है 51.20 मिलियन का है। अगर मैं इसका, अगर मैं इसका 10% ले लेता हूँ, तो फिर भी अगर मैं 50 मिलियन की बात नहीं करता, मैं अगर 5 मिलियन की ही बात कर रहा हूँ, 5 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है, फिर भी बहुत ट्रैफिक आता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, पहली वेबसाइट रहा है, अब इसे दूसरी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो दूसरी वेबसाइट पर काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आता है। तो मैं आपको इसका कीवर्ड भी बता रहा हूँ, इस तरह की वेबसाइट को आपको बनाने की सलाह भी दे रहा हूँ, तो आप इस तरह की वेबसाइटों को बना सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखेंगे हमने गूगल एडसेंस का ऐड को ब्लॉक किया है, देखें है ना, जो कि पेज को थोड़ा जल्दी लोड हो ताकि आपको मैं जल्दी ये चीज़ें आपको बता पाऊँ। और अगर आप इस पर ट्रैफिक की अगर मैं बात करूँ, तो ये भी कम ट्रैफिक नहीं ले जा रहा मैं, तो आप देखेंगे है ना, इस पर जो ट्रैफिक आ रहा है 44 मिलियन का ट्रैफिक। आप देखेंगे यूएसए, सबसे पहले यूएसए के, यूके, यूएसए, कनाडा, यूके, उसके बाद ही, और 80% जो है सर्च करके आ रहा है ना, 80% सर्च करके डायरेक्ट हमारा 16% आ रहा है। तो इस तरह के कीवर्ड पे आप वर्क कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट है अगर ओपन कर ली, यहाँ पर अगर मैं टॉप, यहाँ पर कोई भी ऐसी वेबसाइट, जैसे ये बहुत बड़ी वेबसाइट इसका डोमेन है, अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूँ है ना, अगर ये बड़े डोमेन की वेबसाइट की, जब भी ये वेबसाइट बनाई गई है तो सबके साथ जीरो से स्टार्ट हुआ है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। और इसकी आप ट्रैफिक की बात करें तो ये भी कमाल का ही ट्रैफिक ले जा रहा होगा जहाँ तक मेरे सर्च के हिसाब से है ना। यहाँ पर देखें मिलियन में ट्रैफिक है, 7.0 मिलियन आप देखें ट्रैफिक है ना, 7 मिलियन का ट्रैफिक है मंथली विजिटर। और देखेंगे सबका सब जो यूएसए का ही ट्रैफिक आ रहा है, किसी भी ऐसी वेबसाइट है जो अपने इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है, पर ऐसी कोई वेबसाइट नहीं जैसे भी मैंने ओपन किया टॉप 10 में, यहाँ पर सेलेनियम वाली है, यूके किंगडम से आप देखेंगे, और जो सर्च हो रहा है 84%, यानी आप समझ सकते हैं कि 80% से ज़्यादा है इस कीवर्ड पे लोग सर्च कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाले कीवर्ड है। अब मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ जिसपे आप वर्क कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह की वेबसाइट को जरूर डिजाइन कीजिए। तो ये रहा न्यू सेलेनियम। न्यू सेलेनियम जैसे कोई किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वर्ड का निकलता है, तो आप उसे अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कीजिए है ना। अब यहाँ पर है कि ऑन द अदर हैंड सेलेनियम है ना, अब ऑन द अदर का हैंड सेलेनियम क्या होता है, अब गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे आपको सर्च हर चीज़ मिल जाती है, जो दूसरों की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया उसी को आपको, उसी से रिलेटेड सेलेनियम निकालना है ना। एक वर्ड का एक ही सेलेनियम नहीं होता, काफ़ी सेलेनियम होते हैं जो आपको निकाल के आपको नोट डाउन करना होता है अपनी पोस्ट में। अगर मैं इसकी बात करूं, तभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जो कि आपको कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर आप देखेंगे यहाँ पर सब लोगों ने उसी कीवर्ड को टारगेट किया है, ऑन द अदर हैंड सेलेनियम, ऑन द अदर हैंड है ना, यानी सेलेनियम 565, ऑन द अदर हैंड सेलेनियम। ये सब कहाँ से लाते हैं, ये सब एक दूसरे की वेबसाइट से ही देख के वो आइडिया लगा के सेलेनियम लिखते हैं ना। एक वर्ड का एक ही सेलेनियम नहीं है, तो मैं आपको बार बार बताऊँ। और सब सब वेबसाइट देखेंगे ऑन द अदर हैंड सेलेनियम, फिर देखेंगे ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड सेलेनियम, सेलेनियम ऑन द अदर हैंड सेलेनियम, क्योंकि इस कीवर्ड पे क्या है कि सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है, और जिसपे आप देखेंगे ट्रैफिक 35K का सर्च वॉल्यूम है ना, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही ले जा रहे हैं सब के सब। मैंने अभी जो वेबसाइटें दिखाई हैं सब के सब ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले जा रही है। अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूँ, अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूँ, तो यहाँ पर देखेंगे है ना
मैरियर वेबसाइट, यहाँ पर मैंने भी आपको यही ओपन करके दिखाया था, जो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक वाली ही ये कीवर्ड है, जो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक वाले ये वेबसाइट है ना। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको संतुष्टि हो जाए माय डियर सर। यूएसए का ट्रैफिक आप देखेंगे, और जो मंथली बीजे यहाँ पर देखेंगे, सर्चेज जो है 80% यानी 80% का जो है कीवर्ड के बेस पे ही ट्रैफिक आ रहा है ना। अब मैं आपको अगला दिखा है डिटरमाइन सिनेनियम, ये भी एक अच्छा कीवर्ड जिस पे आप काम कर सकते हैं 34K का। अब मैं आपको सारे कीवर्ड बता देता हूँ जिस पे आप काम कर सकते हैं, 34K का सिनेनियम वाला कीवर्ड है। पर आपको मैं आपको बार बार वो कहता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कीजिए। कीवर्ड सबसे पहले से मेन प्रॉब्लम है कि कीवर्ड की, अगर कीवर्ड हमारे पास है तो आप सर्च वॉल्यूम पता कर सकते हैं, अपने ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे आप अपने ब्लॉग वेबसाइट को सक्सेसफुल बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा कुछ डिटरमाइंड सेलेनियम जिस पे आप इस पे वर्क कर सकते हैं। अगला जो कीवर्ड है लाइक सेलेनियम है, लाइक सेलेनियम 34K का, इस पे भी सर्च वॉल्यूम है। अगला जो कर इन एडिशन सेलेनियम है ना, इन एडिशन सेलेनियम, इस पे भी आप वर्क कर सकते हैं दोस्तों, 33K का सर्च वॉल्यूम है। और अगला जो कीवर्ड है 11 यहाँ पर कॉफी जीएफ है ना, जीएफ वाली वेबसाइट को अगर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, इस पे भी बहुत अच्छे खासे ट्रैफिक आता है। पर जीएफ वेबसाइट के लिए काफ़ी आपको वक्त लगेगा, काफ़ी आपके पास क्या होता है, आपके पास प्लगइन होना चाहिए जो आपकी वेबसाइट को लोड करने में है ना, फास्ट लोडिंग में, तब जाके आप अगर जीएफ वाली वेबसाइट बना रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बहुत फास्ट होना चाहिए। आपको प्रीमियम प्लगइन इस तरह की वेबसाइट को यूज़ करना चाहिए। जितनी भी वेबसाइट है गूगल में, यहाँ पर ये जो रैंक है, आप अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट है अगर गूगल में रैंक है तो वो क्या सब के सब प्रीमियम प्लगइन यूज़ करती हैं है ना, तब जाके ये मिलियन का ट्रैफिक ले जाए। अगर मैं इस पे ओपन कर देता हूँ कॉफ़ी जी एफ 100 एनिमेटेड है ना, पिक्स ऑफ डिलीशियस कप ऑफ कॉफ़ी, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो hcgf.com एक वेबसाइट है, आप देखेंगे तो ये भी जो वेबसाइट है सारे के सारे क्या आते हैं, प्रीमियम चीज़ें यूज़ करती हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह की वेबसाइट आप ना बनाएं। और यहाँ पर देखेंगे गूगल एडसन का कोड भी लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गूगल एडसन का अप्रूवल नहीं मिलता। अगर मैं यहाँ पे ऐड को हटा देता हूँ और मैं आपको दिखा भी देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ताकि आपको क्या है कि एग्जैक्ट वही चीज़ें आपको समझ में आए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी कीवर्ड के लेके आप संदेह में बिल्कुल ना रहें, अपने मन में कोई भी डाउट ना रखें है ना, कोई भी अगर इशू अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई विद इन 24 आवर के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको दे दूँ। और यहाँ पर गूगल एडसन का कोड भी लगाया गया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि अगर आप इस पे वर्क करते हैं तो क्या आपको ट्रैफिक के साथ साथ एडसन से भी अर्निंग होगी या नहीं होगी है ना। तो मैं थोड़ा सा अभी ये लोड हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पर जी एफ फाइल है तो काफ़ी जी एफ यहाँ पर है, तो जैसे ये लोड हो जाता है फिर मैं आपको अभी दिखाता हूँ इस पर है ना। तो ये सारे के सारे क्या, सारे के सारे प्रीमियम प्लगइन देखेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा जी एफ फाइल है ना। तो ये अभी लोड होने में वक्त लगा रहा है, मैं दूसरी वेबसाइट को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि एक ये वेबसाइट है इसको ओपन कर लेते हैं तब तक है ना, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली वही चीज़ें बता पाऊँ जो आप सीखना चाहते हैं दोस्त। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस पर आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिलता है, जिनके मन में डाउट है आप देखेंगे वही जीएफ वाली वेबसाइट मैंने ओपन किया है यार, आप देखेंगे एड्स बाई गूगल यानी एडसेंस का कोड लगा। जीएफ वाली वेबसाइट काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा प्रोसेस बताऊँ कैसे आप जीएफ वेबसाइट वाले को बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इस पे एडसेंस का अप्रूवल मिला, और इस पे अगर ट्रैफिक की बात करूँ तो ये भी अच्छा खासा ट्रैफिक है इस पे है, इसके हिसाब से जीएफ वाले कीवर्ड पे कि क्या इस पे लोग टारगेट के हिसाब से आपको ट्रैफिक मिला। अभी मेरे हो सकता है कि मेरे यहाँ नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो ये लोड होने में थोड़ा वक्त लगा रहा है दोस्तों, पर आप देखें सिर्फ जीएफ वाली वेबसाइट पर देखेंगे 6 लाख का लगभग ट्रैफिक आता है, मंथली का 6 लाख का ट्रैफिक आया, और जो इसका ट्रैफिक मिल रहा है 84% यानी ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और सबका सब बाहर का कंट्री का है, यहाँ पर इंडिया का ट्रैफिक है ही नहीं है। तो अच्छा खासा सीपीसी है, इस पर आप वर्क करना चाहे कर सकते हैं, गूगल एडसन का कोड भी लगा जो कि मैंने आपको प्रूफ के साथ सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई जो भी मैंने बताया। और फ्रेंड्स अगर आप कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग आप सीखना चाहते हैं, अगर आप देखिए अगर नए ब्लॉग बना रहे हैं तो आप कीवर्ड रिसर्च से पहले कीजिए, उसके बाद अपने टॉपिक को रिसर्च कीजिए, उसके बाद अपने आप ब्लॉग को बिल्ड कीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो वही मैं आपको ये कहता हूँ कि सर राइट वे में अगर निशान गए तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग का आप कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, अफिलिएट ब्लॉगिंग यूट्यूब के लिए टॉप लेवल का कीवर्ड रिसर्च करने का पूरा प्रोसेस बताता हूँ, कैसे आप टॉपिक को रिसर्च करेंगे माइक्रोनिश वेबसाइट के लिए, कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कैसे अपने ब्लॉग वेबसाइट को सेटअप करेंगे है ना, सारा स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताता हूँ। अगर फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं abhishekkumargautam9616@gmail.com पे, और आप सेलेनियम वाली वेबसाइट का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, बाकी आप इस पे ऊपर इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कीवर्ड रिसर्च अगर आपने सही किया तो आपको सक्सेसफुल ब्लॉग होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।